हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 11, लवली मून। लवली का मतलब होता है प्यारा, मून का मतलब होता है चांद, प्यारा चांद। ओह लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग सो हाई। लुक का मतलब होता है देखना, मून का मतलब है चांद, शाइनिंग का मतलब होता है चमकना, हाई का मतलब होता है तेजी से। इसमें छोटा बच्चा है, वो कह रहा है चांद की तरफ देखो, वो कितना तेजी से चमक रहा है। ओ मदर शी लुक्स लाइक ए लैम्प इन द स्काई। मदर का मतलब है माता या मम्मी, शी इस छोटे बच्चे की मम्मा के लिए यूज हुआ है। लुक्स का मतलब है देखना, लाइक ए लैम्प का मतलब है दीपक की तरह, स्काई का मतलब है आसमान। इसमें वो छोटा बच्चा है, वो अपनी मम्मा से कह रहा है ओ मम्मा चांद को देखो, वो आसमान में एक दीपक की तरह लग रहा है। लास्ट वीक शी वाज स्मॉलर एंड शेप लाइक ए बो। लास्ट वीक का मतलब है पिछले सप्ताह, स्मॉलर का मतलब है छोटा, एंड का मतलब है और, शेप का मतलब है आकृति, लाइक ए बो का मतलब है इंद्रधनुष की तरह। इसमें छोटा बच्चा अपनी मम्मा को बोल रहा है पिछले सप्ताह तो चांद छोटा था और उसकी जो आकृति थी वो इंद्रधनुष के समान थी, बट नाउ शी इज ग्रोन बिगर एंड राउंड लाइक एन ओ। बट नाउ का मतलब होता है किंतु अब, ग्रोन का मतलब है बढ़ना, बिगर का मतलब है बड़ा, एंड का मतलब है और, राउंड का मतलब होता है गोल लाइक एन ओ। इसमें वो छोटा बच्चा कहता है पिछले सप्ताह तो चांद छोटा था और उसकी आकृति इंद्रधनुष की तरह थी, किंतु अब चांद बड़ा हो गया है और उसकी जो आकृति है वो ओ की तरह हो गई है, गोल। ओके, थैंक यू बच्चों।